आराम से, बहुत गहरा ही है सर, सेफ्टी के लिए इसको बंद किया हुआ है सेफ्टी के हिसाब से। सर अभी कितना गहरा? गहरा बहुत ज्यादा गहरा है। पानी इसमें? पानी अंदर है, नीचे की तरफ है। ये वृक्ष भी मेरे को लगता है बहुत पुराने है। ये पीलू का, ये बहुत पवित्र पेड़ माना जाता है राजस्थान में, पीलू का पेड़ बोलते हैं। दोस्तों स्वागत करते हैं थोड़ा महक दी सुगात दे विच। ते अज आपां राजस्थान दे रामदेवरा दे विच आपां मौजूद हाँ। ते थोनों एक हिस्टोरिकल चीज़ दिखाउण जा रही हैं, श्री बाबा रामदेव जन्म स्थली रुणीचा दा, जिन्हां दा मंदिर भी है। ते उस दे नाल नाल इत्थे एक कुआ भी बनया हुआ जिसनों रुणीचा कुआ कह के भी संबोधन किया जाता है। तो आसे पासे का माहौल तुसीं वेखो, दोस्तों बाबा रामदेव जी दे इत्थों दे जिहड़े लोग रहण वाले आ उन्हां दा इह कहना भी इत्थे जो रुणीचा कुआ हैगा वह बाबा रामदेव जी ने खुद उसनूं खोदिया सी अपने हत्थी। तो आसे पासे का माहौल तुसीं वेख सकदे हो। तो इत्थों दे लोगों का मनना भी वह कुआ हले कदे भी सुक्या नहीं है, उस दे विच पानी बरकरार रहिंदा। उही कुआ अज तुहानूं असीं दिखाउण जा रहे हैं। तो बाई जी का आप बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं भी बाई जी होटल का कम करते हैं, तो बिचों बाई जी कम छड के अपने नाल चल के आए अपने को, आपां इस दे बारे दसणगे। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताए। बबलू कुमार सर। बबलू कुमार जी, इसे ये गेट है माता चिल्लाए माता मंदिर है यहाँ पर। बाबा जी की कुलदेवी थी, बाबा रामदेव जी की कुलदेवी वंशज उनके। ठीक है, कुआ आगे है थोड़ा आगे आ जाइए। ठीक है, तो ये फिर जगह है जो ये मतलब ट्रस्ट मंदिर के ट्रस्ट की है या मतलब सरकारी क्या सिस्टम है? ये जो बाबा जी के वंशज है ये उनके पर्सनल उनके ही हाथ में है, उन्हीं का ही है, जिनको तंवर जी कहा जाता है। उन्हीं की ही ट्रस्ट, खुद की ट्रस्ट है, उन्हीं के यहाँ पर जो भी देख रेख होती है पूजा पाठ उन्हीं के वंश के लोग करते हैं। ठीक है, इसके बगल में जो जमीन वगैरह है ये सब इसी ट्रस्ट की, ये इन्हीं की है। ठीक है, मतलब है मंदिर की ही जगह है ये अभी बगीचे शुरू कर दे, पहले तो यहाँ वैसे झाड़ियाँ रहती थी, अभी देखो पेड़ पौधे बगीचे शुरू कर दिए, बागान लगा रहे, बहुत अच्छी जगह है। राजस्थान में वैसे भी ऐसी जगह देखने को मिलती नहीं। सर आ जाइए, अब यहाँ से मंदिर, ये मंदिर स्थान है माँ चिल्लाई माता मंदिर का स्थान, साथ में रुणीचा कुआ भी है, बिल्कुल प्रॉपर राजस्थान का माहौल जेड़ा हुंदा है, क्योंकि राजस्थान के बीच ही आप मौजूद हैं। तो ये मंदिर है ये सर, इधर माता मंदिर है, ये बाबा जी के वंशज उनकी कुलदेवी का मंदिर है। कुआ बाबा रामदेव जी का कुआ है, इसको वैसे रुणीचा गांव के नाम से भी संबोधित किया जाता है। कुआ आ गया सर, वो बंद किया हुआ है, देख दिख जाएगा जो दोस्तों, जेड़ा बाबा रामदेव जी का जिथे मंदिर रह जाता उन्होंने रामदेवरा किया जाता, तो इसनू जिथे ये रुणीचा कुआ, इसनू रुणीचा कुआ कह के संबोधन किया जाता। ये रुणीचा कुआ, ये लिखा हुआ है रुणीचा कुआ, इसको क्या है बच्चे यात्री और पर्यटन गहराई तो देख सकते हो बहुत, इसमें वैसे देखना आराम से, बहुत गहराई है सर, सेफ्टी के लिए इसको बंद किया हुआ है सेफ्टी के हिसाब से। इनका कोई वो नहीं दिख रहा अभी कितना गहरा? गहरा बहुत ज्यादा गहरा है। पानी इसमें? पानी अंदर है, नीचे की तरफ है। ठीक है, बहुत गहराई ज्यादा है इसकी कुए की, हाँ इसलिए इसको सेफ्टी के हिसाब से बंद किए हुए, ऐसे जाल लगाया हुआ है इस पर। ठीक है, बच्चे यात्री आते हैं उनके बच्चों के हिसाब से। ये जो साइड में दो ये मंदिर, ये तो ऐसे बनाए हुए होद बनाए हुए पानी के। ठीक है दोस्तों, कुएं की गहराई बहुत ज्यादा है। हाँ ते
ये वृक्ष भी मेरे को लगता है बहुत पुराने पुराने, ये पीलू का, ये बहुत पवित्र पेड़ माना जाता है राजस्थान में, पीलू का पेड़ बोलते हैं। इस पे देखो आओ, अंगूर की तरह एक फल आता है, उसको खाया भी जाता है, जो हमें लू से बचाता है, गर्म लू से। ये देखो सर फल, ये देखो इस प्रकार का फल आता है, इसको खाया भी जाता है, ये खाने में भी स्वादिष्ट होता है। अब देखो ये भी थोड़ा कच्चा है, पकने के बाद और मीठा हो जाता है। अभी देखो बहुत मीठा है। हाँ अभी देखो, लकड़ी को यूज में जलाते नहीं है, कभी भी इसको काटते नहीं है, मतलब यानी इन्हों का कहना भी इस पेड़ की है जी पूजा पूजा की जाती है। ये पीलू खाने से आदमी का शरीर और वैसे कोई भी खाए तो उसको लू से बचा जा सकता है, गर्म लू से। मतलब कि इन्हों का कहना भी जड़ा ये इलाका इतने गर्मी जी ज़्यादा पैंती है, तो इस करके इनका जोड़ा फल है जोड़ा भी खाऊगा उन्हें लू की दिक्कत नहीं होगी कदे भी, गर्मी की जी दिक्कत है जी गर्म इलाकों वेखी जाती है उस तो ये बचाव हो जाता है। ठीक है, ये मंदिर दे विच जदों उत्थे संख्या वध जांदी है घोड़ियां दी, फिर उन्हां नूं इधरले पासे लियाया जांदा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है इस इलाके च दोस्तों। आ जो पिछे तुसी सारा एरिया देख रहे हो, ये सारा रुनेचे कुए के नाम नाल इसनूं जाणिया जांदा है। तो भाई बबलू जी का आप बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जिन्होंने अपन इस दे बारे च दसिया, तो अपना जिहड़ा कम छड के वो साडे नाल आए तो सानू आ सारी चीज़ तुसी इन्होंने अपन इस दे बारे दसिया, जो बाबा रामदेव जी की जो हिस्टरी है इस कुए नाल जो उन्हों का इतिहास जुड़िया हुआ उस दे बारे च सानू इन्हां ने जानकारी दित्ती, असीं इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो वीडियो नू लाइक ते शेयर जरूर करियो, बहुत बहुत शुक्रिया, जिउंदे वसदे रहो, दाता जी हमेशा चढ़दी कला दे विच रखा।